हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज थर्सडे, बृहस्पतिवार, और आज भी सेम टाइम पर ही ऑफिस जाना है। तो गाइस, अभी भी जस्ट मैं उठाई हूँ, देन अभी वॉशरूम वाशरूम चलते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद पूजा वगैरह करके फिर गाइस निकलते हैं ऑफिस के लिए सीधा। तो गाइस, बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, अभी मन कर रहा है बस यहीं पर घूमते रहूँ, बट ऑफिस जाना है इसलिए मैं वो जल्दी कर लेंगे। अगर जल्दी जाऊँगा तभी मैं टाइम पे पहुँचूँगा, वरना फिर मैं यहीं रह जाता हूँ हमेशा। तो गाइस नहाते हैं अभी, तो अभी ब्रश कर रहा हूँ मैं। तो अभी गाइस नहा लिया है, तो अभी गाइस नहा लिया है और रेडी भी हो चुका हूँ ऑफिस के लिए, देन मैंने पूजा भी कर ली है, अभी निकलते हैं गाइस ऑफिस के लिए। हाय पापा। तो अभी गाइस निकल के रूम से। भाई सुबह सुबह के टाइम में कैसा लगता है ना, एकदम शांत शांत था, शॉप भी नहीं खुली रहती, मार्केट में बस हम और कुछ एक लोग ही चलते रहते हैं। तो भाई अभी देखो, अभी पूछे कि शॉप खुली है और तो कोई दुकानें खुली नहीं है, खैर धीरे धीरे जैसे टाइम होता है फिर जाके शॉप भी खुलती है, देन फिर काम भी स्टार्ट होता है। जैसे मैं जा रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग है, खैर अभी तो 7 बजने वाले हैं, 10-15 मिनट बाकी है। तो अभी गाइस अभी तो रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ, थोड़ा सा दूर है ऑफिस, उसके बाद पहुँच जाऊँगा। तो भाई गाइस देखो, तो गाइस अभी देखो सामने वो बिल्डिंग बनने का सामान जा रहा है, उसकी वजह से पूरा जाम लग गया है, पूरा जाम लग गया। वहाँ से रोड निकल रही है, मेरे पीछे पूरा जाम है, मैं तो निकल रहा हूँ ऐसे ही। तो ये देखो उसी ट्रक की वजह से यहाँ पूरा जाम लगा हुआ है। तो अभी गाइस मैं पहुँच चुका हूँ ऑफिस और हम लोग शाम को जुड़ते हैं 4:30 बजे, तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर। हे गाइज, फाइनली जुड़ चुका हूँ आप लोग के साथ। तो गाइज अभी मैं क्या ही बताऊँ, आज ऑफिस में कितना काम था, आज पूरी मतलब वैसे तो मेरा टाइमिंग होता है 4 बजे जाने का घर, जो कि हम लोग डेली मिलते हैं ब्लॉग्स में, बट आज क्या हुआ, आज ऑफिस में बहुत काम था क्योंकि पहले जो बंदा स्टॉक मेंटेन करता था उन्होंने मेरे को हैंड ओवर भी दिया था परसों स्टॉक के लिए, और मैं वो उस दिन तो मैंने बोला ठीक है हाँ मैं कर लूँगा, देन जब मैंने पिछली सैटरडे में वो स्टॉक पूरा मेंटेन किया उसमें वो बहुत एक्सेस आ रहा था, तो मैंने वो भी अपनी तरफ से कर दिया था, सारा इशू सॉर्ट आउट कर दिया था। बट जब आज मैम ने मेरे को स्टॉक के लिए बोला और मैंने वो दिया, तो उनका स्टॉक और मेरा स्टॉक ज़मीन आसमान का फ़र्क था, उसमें बहुत डिफरेंसेस आ रहे थे। तो उस वजह से वो मेंटेन करने में, हालांकि वो सॉर्ट आउट अभी भी नहीं आया, कुछ सामान अभी हमारा पेंडिंग है, अभी उसके चलते 2 घंटे लग गए मेरे को। अभी 6 बज चुके हैं, 6 बजे निकल रहा हूँ मैं ऑफिस से बाहर और अभी भी वो हुआ नहीं है सॉर्ट आउट। फिर एक सर को मैंने बोला कि सर प्लीज़ इसके लिए कुछ करो, तो वो बोले थे कि ये जो तुम्हारा सामान है ये आधा पेंडिंग में है, हो सकता है एक बार कन्फर्म करो। अब वो बंदा भी श्योर नहीं है और हमारे यहाँ से जो बिल आए हैं उनमें भी वो रिटर्न का कोई है नहीं, अभी पता नहीं क्या होएगा, कुछ समझ में नहीं आ रही। कल के दिन अगर सॉर्ट आउट हो जाए तो सही है, अदरवाइज़ फिर और टांग खिंचाइए। तो गाइस चलते हैं अभी घर पे, 2 कॉल आ गए पापा की, तब से कॉल पिक नहीं कर पाया मैं, फिर अभी रेखा दी का भी कॉल आया था तब भी कॉल पिक नहीं कर पाया। तो गाइस अभी रेखा दी से भी कर लेता हूँ बात, देन पापा से भी करता हूँ, वो यही पूछ रहे होंगे कि 4 बजे तो घर आता ही है, आज कहाँ रह गया। तो गाइस चलते हैं अभी रूम पर। तो अभी गाइस तब से घर से भैया की क्यों पापा की तो कॉल आ ही रही थी, रेखा दी के भी कॉल आए 3, वो तो मैंने पिक कर ली, खैर बाहर भी कर ली अभी रेखा दी से, बट भैया का भी कॉल आ गया, पापा का कॉल चला गया भैया के पास कि वो अभी आए नहीं, कॉल करके पूछो कहाँ नहीं, क्योंकि वो टेंशन में रहते हैं ना जब भी मैं रूम पे नहीं पहुँचता, क्योंकि मेरे 4 बजे की शिफ्ट है, 4 बजे मैं रूम पे पहुँच जाता हूँ, 4:30 बजे, आज बज गए 6, उनको पता कहीं रुकता भी नहीं है, तो इतनी लेट आज हो गई है, वो कहाँ रह गया, इस वजह से सबके कॉल आ रहे हैं। तो अभी गाइस फटाफट चलता हूँ मैं रूम पे, क्योंकि वो बहुत टेंशन में होंगे, हालांकि कॉल तो मैंने कर दी है कि पहुँच रहा हूँ रूम पे, अब देखता हूँ क्या रिएक्शन है उनका, हालांकि खुश तो हो जाएंगे, बोल दूंगा कि आज एक्स्ट्रा काम था उस वजह से मैं आ नहीं पाया, क्योंकि एक्स्ट्रा काम तो कभी कभार ही होता है ना ऑफिस में, बाकी दिन तो अपना मैं टाइम पर आ ही जाता हूँ, हालांकि बाकी दिन मैं डेली लेट जाता हूँ, पर आज तो जल्दी हूँ, आज मैं लेट आया हूँ और आज मैं जल्दी गया था, कोई नहीं चलता रहता, ये तो काम करना है ना हमें। तो अभी गाइस पहुँच गया रूम पे। जी पापा, आज कॉल कर रहे थे मेरे को, लेट हो गया उसलिए कर रहे थे।
क्योंकि आज ऑफिस में ज्यादा काम था ना पापा, आज वैसे भी क्या है, हालांकि 31st तो था पर क्या कि काम आजकल ज्यादा हो रहा है ना ऑफिस में, इतने दिन तो मैं जल्दी जा रहा था, जल्दी आ भी रहा था काम से, बट आज ही तो हुआ ना लेट, और दिन घर से भी तो लेट जाता हूँ मैं, आज आया ऑफिस से लेट है ना, और दिन घर से लेट, आज ऑफिस से लेट, बट कोई नहीं, 2 घंटे ही तो हुआ था ना लेट, आपने रेखा दी को कॉल घुमा दिया, उधर भाई को कॉल घुमा दिया कि वो घर नहीं आया, घर नहीं आया, हो जाता है कभी कभार लेट, और दिन तो आता ही हूँ ना टाइम पे, फिर और दिन टाइम पे आया तो आज ही हुआ लेट, आज ही आपने यहाँ हुआ कॉल घुमा दिया है, होती है पापा टेंशन, कोई नहीं, मैं सामने से अगर कॉल उठा लेता फिर आप कॉल नहीं करते ना, पर मैंने सोचा कि जैसे मैं निकलूंगा ऑफिस से बाहर तो आपको कॉल करूंगा, ऑफिस से बाहर निकला रेखा दी का कॉल, गोविंद भाई का कॉल, फिर मैंने कहा आप तो रूम पे पहुंचने वाला हूँ, सामने जाके बात कर लूंगा तभी, चलो कोई नहीं, टेंशन वेंशन ना लेना, कभी अगर लेट वेट हुआ तो टाइम पे आ ही जाता हूँ ना घर, आप टेंशन ना लेना, बस मैं सामने से कॉल कर दूंगा, ठीक है? तो अभी डिनर का टाइम हो गया है, आज तो अभी डिनर का टाइम हुआ नहीं है, आज मैं जल्दी डिनर कर रहा हूँ क्योंकि फिर कल मुझे जल्दी उठना भी है सुबह में, और आज मैं बहुत थक गया हूँ काम से, तो अभी बजे हैं 8:30, और दिन तो खैर 9:30 समथिंग करता हूँ, आज 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही डिनर कर रहा हूँ, तो बहुत भूख भी लग रही है क्योंकि खाऊंगा तो मैं टाइम से आज सो जाऊँगा जल्दी। पापा जी आप भी करोगे डिनर करोगे बाद में करोगे आप? चलो ठीक है। तो अभी गाइस डिनर में है आलू गोभी की सब्जी और रोटी और थोड़ा सा अचार रखा है, चलो गाइस डिनर करते हैं अभी। तो अभी गाइस डिनर तो कर लिया है और अभी है मेरी सोने की तैयारी, आज के दिन का जो मैंने पूरा ब्लॉग शूट किया है उसको अभी एडिटिंग करूँगा, देन फिर बाद में ही सोता हूँ मैं पूरी एडिटिंग करके, उसको उसके बगैर मेरे को नींद भी कहाँ आती है जब तक मैं उसको पूरा एडिटिंग ना करूँ। सो गाइस आज के ब्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि मैं ऑफिस से लेट हुआ, देन पापा के कॉल्स इधर उधर, फिर उस वजह से घर में कुछ थोड़ा माहौल भी वो हो गया था चेंज, क्योंकि मैं घर नहीं पहुंचा तो पापा को थोड़ी टेंशन भी हो गई थी। तो गाइस इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक कर देना, कमेंट्स करना और शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग।